जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। आज हमारे साथ शंभू चौधरी जी हैं। शंभू चौधरी कोई नेता और समाज से भी नहीं, इनका कहना है कि हम आपके भाई हैं, हम आपके दोस्त हैं और आपके मित्र हैं। 24 घंटा हर वक्त शंभू चौधरी जी कोई भी गरीब गुरुआ को हर समय सेवा देते हैं। लेकिन आज ये बहुत अच्छा दिन है और इसमें आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। हमारे साथ शंभू चौधरी जी है, कहाँ पर किए हैं, किस लिए किए हैं और इस कैंप का उद्देश्य क्या है और इसमें कितने ग्रामीण अभी तक मेडिकल चेकअप करा चुके हैं। आज पूर्वी सिंहभूम जिला के ग्रामीण क्षेत्र में डॉल्फिन क्लब एंड रिसोर्ट में जमशेदपुर जन कल्याण समिति एवं रविंद्रनाथ ट्रस्ट के माध्यम से नेत्र शिविर का आज हम लोग ने कैंप लगाया है। इस मेडिकल कैंप में हमारा उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र के वंचित लोग, गरीब गुरबा, पिछड़े लोगों का, जो कि रुपए के अभाव में आँखों का इलाज नहीं हो पाता था, जिसको लेकर जमशेदपुर जन कल्याण समिति के कमेटी के मेंबरों के द्वारा एक नेत्र शिविर का कैंप लगा। इसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से लोग, बुजुर्ग लोग आए और सभी की नेत्र की जांच हुई है। जिनके नेत्र में प्रॉब्लम है, जिनको मोतियाबिंद की ऑपरेशन करना है, जिनको चश्मे की ज़रूरत है, जिनको दवे की ज़रूरत है, डॉक्टर्स यहाँ पर सभी का जांच कर रहे हैं और सभी को जांच करने के बाद मुफ्त में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको दवा जहां ज़रूरत है दवा दिया जा रहा है। जिनको मोतियाबिंद के ऑपरेशन करनी है उनका ऑपरेशन मुफ्त में कराया जा रहा है। जिनको चश्मे की ज़रूरत है मुफ्त में चश्मा भी दिया जा रहा है। ये हमारा, चूँकि जमशेदपुर जन कल्याण समिति के द्वारा, ये हमारा उद्देश्य है कि जनमानस के हित में, जनमानस की सेवा के लिए सदैव हम लोग तत्पर रहते हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कोशिश ये रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में जो लोग वंचित हैं, जो लोग रुपए के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके बस्ती से हम लोग ले आ रहे हैं, अपनी गाड़ी से उनको ला रहे हैं, गाड़ी से पहुंचा रहे हैं और उनको पूरा जांच, पूरी मेडिकल व्यवस्था मुफ्त में हम लोग देने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं समाज के और लोगों से भी अपील करता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम अगर आपके क्षेत्र में कहीं लोगों को इस तरह की बीमारियां हैं और लोग वंचित हैं तो आप हमसे संपर्क करें, आपके क्षेत्र में हम कैंप लगाएंगे और लोगों को मुफ्त में आँख का ऑपरेशन, चश्मा, मुफ्त में दवा, ये सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। आपकी समिति और क्या क्या काम करती है? जमशेदपुर जन कल्याण समिति का उद्देश्य यही है कि जनमानस के हित के लिए जो भी जनमानस की समस्या है, जो समस्या को यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा करना चाहिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं, वैसे समस्या पर हमारी समिति उस पर काम करती है और लोगों को जन जन तक, गली गली, बस्ती बस्ती, कस्बा कस्बा जाकर वंचित लोगों को सहायता मुहैया कराती है। चाहे वो विधवा पेंशन का मामला हो, वृद्धा पेंशन का मामला हो, विकलांग पेंशन का मामला हो, गंभीर बीमारी योजना का मामला हो, राशन कार्ड का मामला हो, आयुष्मान कार्ड का मामला हो, कितने सरकार की जितनी योजनाएं हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जितनी योजनाएं या जनमानस के हित में, वो सारी योजना से अवगत कराकर उनको लाभ दिलाना हमारा प्रथम उद्देश्य है। जब हम लोग अपनी सुविधा को लेकर चलते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, हमें लगता है कि चलो हमारा प्रयास सार्थक हुआ। शंभू चौधरी के साथ कितना दिन से आपने जुड़े हैं? इनके साथ विगत 5 वर्षों से ऊपर से मेरा संबंध रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम लोग ये काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं और ख़ास करके जो वंचित लोगों को हम लोग जो ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं, इससे एक आत्मसंतुष्टि मिलती है और इसके लिए तो हम अपने बड़े भाई शंभू भैया को बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत ही लोग इसका लाभ ले रहे हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तरफ से
हम लोगों की योजना अभी देखिए अभी मेडिकल पर चल रहा है, आने वाला समय में कुछ दिनों में आप देखेंगे शिक्षा पर चलेगा। ऐसे बस्ती कस्बा में हम शिक्षा का भी व्यवस्था करने जा रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई की व्यवस्था होगी, टीचर होंगे, उनके किताब कापी की व्यवस्था होगी। और इसके साथ साथ जमशेदपुर क्षेत्र के, पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के, खासकर मानगो नगर निगम क्षेत्र जहाँ है, जहाँ पर विगत वर्षों से हमने इस पर काफ़ी लड़ाई लड़ा था कि भाई मानगो की जनता को तीसरे मत का अधिकार दो, इस पर हम लड़ाई लड़के मानगो नगर निगम बनाया। यही नहीं, मानगो के लोग के लिए जाति आय आवासीय मैंने विभिन्न कागजातों के लिए करंडी जाना पड़ता था, तो मानगो की इतनी आबादी थी तो एक मानगो में अंचल की ज़रूरत था, तो इस पर भी हमने काफ़ी आंदोलन किया था, लोगों को जन समर्थन भी मुझे मिला और अंततः सरकार ने हमारा मानगो को अंचल का भी दर्जा दिया और अब मानगो में अंचल बन चुका है, लोगों को जाति आय आवासीय की अब करंडी नहीं जाना पड़ता है, मानगो का काम मानगो में हो रहा है। साथ ही और हमने एक बड़ी आंदोलन लड़ाई लड़ा था पूरे झारखंड के लिए, तो विधवा वृद्धाओं विकलांगों का पेंशन 600 मिला करता था, इस पर हम काफ़ी आंदोलन किए, काफ़ी लड़ाई लड़े, मुख्यमंत्री उस समय थे माननीय रघुवर दास जी, उनसे हमने मिलकर इस पर काफ़ी बार ज्ञापन दिया, उनके साथ मिलकर इस पर जनता के लोगों की समस्याओं को बताया कि 600 रुपया पेंशन से कुछ नहीं होने वाला है, बहुत से राज्य में 2000 भी पेंशन मिला करता है, तो रघुवर जी मुख्यमंत्री थे और गरीब विधवाओं वृद्धाओं को लेकर उनको लगा कि नहीं शंभू चौधरी का यह मांग सही है, तो 600 रुपया से 1000 रुपया पूरे झारखंड के वंचित लोगों को पेंशन उन्होंने रघुवर जी के कार्यकाल में लोगों को मिला है। तो वो सारी ऐसी ऐसी जनमानस की जो योजना, जो लोगों को वंचित रहते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, उस पर हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। फिर भी अभी हमारा एक आंदोलन अभी भी जारी है कि मानगो नगर निगम बना है, इस पर सरकार, अभी तो सरकार चूँकि हेमंत जी की है, सरकार इस पर नगर निगम का चुनाव कराए और वहाँ का वार्ड पार्षदों का चुनाव कराए और तीसरे मत का पूर्ण रूप से अधिकार मानगो की जनता के दे, चूँकि ये इतनी बड़ी क्षेत्र है, पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र कदमा बिष्टुपुर मानगो, इतनी आबादी में एक जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक हुआ करते हैं, जिससे जनमानस की समस्या से विधायक जी अवगत नहीं हो पाते हैं, इसलिए नगर निगम का चुनाव कराना अति अनिवार्य है, चूँकि यहाँ वार्ड पार्षद होंगे, मेयर होंगे, डिप्टी मेयर होंगे, तो मानगो का क्षेत्र का चौतरफा विकास होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी से मैं मांग करता हूँ, स्थानीय विधायक बन्ना गुप्ता जी सहमंत्री राज के हैं, उनसे भी मैं मांग करता हूँ कि मानगो की जनता ने आपको बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ वोट देकर आपको विधानसभा में भेजा है और आप राज्य के मंत्री भी हैं, आपसे आग्रह है मेरा कि प्लीज़ बहुत हो गया, आप मानगो के नगर निगम का चुनाव करा दीजिए, लोगों को तीसरा मत का अधिकार देने का कृपया कष्ट करें, अन्यथा बाध्य होकर हमको पुनः रोड पर उतरना होगा और एक आंदोलन फिर से पुनः करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि आंदोलन न हो, आप चुनाव कराने का कृपया कष्ट करें। चुनाव अलग प्रक्रिया है, चुनाव के ऊपर शंभू चौधरी से स्पेशल इंटरव्यू आप फिर देखेंगे पार्ट टू में, लेकिन अभी फ़िलहाल शंभू चौधरी नेता नहीं है, समाज से भी नहीं है, वह भाई है, आपके गार्जियन है, कभी भी दुख और विपत में शंभू चौधरी का के पास जाइए, उनको फ़ोन कीजिए, आप कभी खाली हाथ नहीं रहेंगे। यह शंभू चौधरी का व्यक्तित्व ही है जिन्होंने नगर निगम की शुरुआत किया, आंदोलन किए, उसके बाद CO ऑफिस जो करंडी में था वह ऑफिस आज मानगो में है। शंभू चौधरी बोलते नहीं है, करते हैं, लेकिन यह तो समय ही बताएगा नगर निगम का चुनाव जब होगा। लेकिन शंभू चौधरी जैसे नेता मानगो क्षेत्र के लिए बहुत अधिक ज़रूरत है, और सबसे बड़ी सवाल की एक मानगो में पुल की बहुत ज़रूरत है, इसके लिए आंदोलन। देखिए, मानगो ओवर ब्रिज जो छोटा पुल था, फिर उसके बाद बड़ा पुल हुआ था, लालू जी की सरकार उस समय हुआ करती थी, चूँकि उस समय की आबादी मानगो की हुआ करता था 60-70 हज़ार, आज आबादी 1.5 लाख करीब है, तो आबादी के हिसाब से और गाड़ी की आवागमन के हिसाब से मानगो पुल का एक ओवर ब्रिज का निर्माण हो, ओवर ब्रिज ही नहीं, पूरे मानगो पुल से एक बड़ी ओवर ब्रिज पूरे लेकर डिमना रोड होते हुए हाईवे में लाने का काम करना चाहिए सरकार को, इस पर ज़रूरत है, आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है, लोगों का आना जाना है और लोग समय पर स्कूल नहीं जा पाते हैं, समय पर ड्यूटी नहीं पहुँच पाते हैं, कभी रोड क्लियर है, कभी जाम हो जाता है, तो ये तो चूँकि इस पर काम तो स्थानीय जनप्रतिनिधि का काम है, आपका तरफ से अप्रोच तो होना चाहिए। हम लोगों ने सरकार को इस पर चिट्ठी लिखा है, DC महोदय को भी हमने चिट्ठी दिया है मुख्यमंत्री के नाम से, और इस पर अभी तक कुछ पहल नहीं हो रहा है, खाली पेपर में बयान आता है कि ओवर ब्रिज बनेगा, ये बनेगा, और सरकार का लगभग 2 साल
तीन साल होने जा रहा है, लेकिन कुछ कठोर निर्णय अभी तक नहीं कैबिनेट से आया है। तो यार देखते हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो इस आंदोलन जनमानस के हित में फिर से पुनः जमशेदपुर जन कल्याण समिति के माध्यम से किया जाएगा। मानगो का ओवर ब्रिज होने से सिर्फ मानगो वासी को फायदा नहीं रहेगा, जमशेदपुर की अर्थव्यवस्था में एक जान आ जाएगा। और जो रश ट्रैफिक के कारण एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और यहाँ तक स्कूल के बच्चे जो फंसते हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ा वरदान होगा। अब देखना है कि शंभू चौधरी जो कमिटमेंट किए हैं, ये आंदोलन कब करते हैं और कब यह पुल बनता है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।